जो मणिपुर की घटना है उसे कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? इसमें देखते हैं, इसमें हमारा कानून का और सरकार का ये सबसे बड़ा फेलर है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर ये कानून अगर सही टाइम पे करता काम करता और अगर एक कानून का डर होता जनता की नज़र में, तो शायद ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। और ये बहुत शर्मनाक घटना है सरकार के लिए भी, ये सरकार के नाम पे भी एक धब्बा है। ये इसको हम अपने बहुत ही ज़्यादा क्रोध भरी नज़र से देखते हैं, सरकार की और वहाँ के लोगों की, जो ये घटना होने दिए। खाली खाली सन्नाटी रोड पे तो ये घटना हुई नहीं, खुले रोड पे हुआ, लोगों ने खूब समर्थन किया, वीडियो खूब बनाया लोगों ने, पत्रकारों ने भी खूब वीडियो बनाया, पब्लिक ने भी खूब वीडियो बनाया, रीले बन गई, पेपर में छप गया, लेकिन ना ही कोई पब्लिक वहाँ आगे आई और ना ही कोई सरकार आ गई, ना कोई पुलिस वाला आ गया। भैया जो हुआ बता तो रहा हूँ, जिसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है, भीड़ है या कोई भी जो भी इन्वॉल्व है इसमें, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जितना हार्ड एक्शन हो उतना अच्छा, कि आगे फर्दर लोगों को पता चल सके ये चीज दोबारा ना हो। बेसिकली बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हमारे देश में वहाँ पे लोकतंत्र है ही नहीं, संविधान ही कम्प्लीटली हत्या है वहाँ पे, और किस तरीके के लोग वहाँ रहते हैं, किस तरीके का माहौल है, लगता ही नहीं कि हम लोग आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, इस पर सरकार को कड़ी कदम उठानी चाहिए। क्या होना चाहिए? जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये अत्यंत ही दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा सरकार से हम लोगों की दरख्वास्त है, और गलत है, बहुत ही गलत है जिस तरह से निर्वस्त करके उन लेडीज लोगों को घुमाया गया, बहुत ही समाज में गलत मैसेज गया है, बहुत ही गलत। जो घटना हम लोग के सामने आई है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना होना हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे कि इस प्रकार की घटना होगी, और ये हम लोग के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि इस प्रकार की घटना मणिपुर में हो रही है। और हम लोग प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये जो चीज़ हुआ ये बहुत बहुत, फिर वीडियो करा भी रोड में, ओपन रोड में जब हुआ वो हम नहीं सुन सकता। वो जो भी दोषी है उसको माने जितना भी कड़ा सजा होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट हो, सेंट्रल हो, सबको देना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं जो जो उसका दोषी हो उसको फांसी होना चाहिए। ये चीज़ सही तो नहीं हुआ, क्योंकि एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार होना हमारे हिंदुस्तान का ये संस्कृति नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पर इस सब के लिए उन लोगों के कड़ी से कड़ी मतलब कुछ भी सज़ा तो होना ही चाहिए उन लोगों के लिए, और जो जो किया है ये सब उनके ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। इसके ऊपर जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबके लिए मतलब जो सुरक्षा है वो तो सबका होना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, हमने ऐसा नहीं सुना। जो घटना हुआ है ये पूरा देश के लिए एक धिक्कार का बात है। जब मणिपुर में ऐसा घटना घट रहा है तो सेंट्रल को चाहिए, जो डबल इंजन का बात करता है उनको ज़रूर इस पे जांच करना चाहिए, और जो दोषी है उनसे सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। उन लोग तो बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजते हैं, तो हम लोग सोचते हैं उससे पहले जहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग टीम होना चाहिए, सेंट्रल टीम होना चाहिए, वहीं पे सेंट्रल टीम होना चाहिए। अभी जिनको ऐसे करके, जिनका विवश करके जिनको घुमाया गया, मुझे हमें लगता है कि ये इंडिया के लिए सबसे शर्मनाक बात है।